बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर सिराजी, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमराइड्स के बारे में, पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में। अगर किसी को बवासीर का मसला बन गया है तो वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करे और वो इस मर से निजात पा ले। खूनी, बादी, मुख वाली, अंदरूनी, बैरूनी किसी भी किस्म की अगर बवासीर है तो उसका मैं आपको इलाज बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, मैं आपको इलाज बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा और ये किन लोगों को बवासीर का मसला बन जाता है ये भी बताऊंगा, किस वजह से होती है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा, उसकी प्राइस बताऊंगा, कहाँ से आपको मिल जाएगी आसानी से, तरीकाकार सारा कुछ बताऊंगा ताकि आपको बाद में मसला ना बने। बहुत से लोग जो है बाद में पूछते हैं कि मेडिसिन की प्राइस क्या है, कहाँ से मिलेगी, तो आप मेहरबानी करके वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको बाद में कोई मसला ना बने। अगर आप इस मर्ज के शिकार हैं तो आप ये मेरी बताई हुई मेडिसिन से फायदा उठा सके। शुरू करने से पहले आपसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें ताकि मैं जब भी न्यू पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स बवासीर क्यों होती है। एक तो ये खानदानी लोगों में होती है, नस्ल दर नस्ल ये मसला चला आ रहा होता है, किसी का वालद को है, फिर उसके बेटे को है, इस तरह के लोगों में ये बवासीर का मसला पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग मिर्च मसाला, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वफर मकदार में कर लेते हैं, बाजारी खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, ऐसे लोगों को भी बवासीर का मसला बन जाता है। जिन लोगों का सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, बैठने वाला काम है, जो लोग बैंक में काम करते हैं, इनमें से तकरीबन 70-80% लोगों को बवासीर का मसला बन जाता है, मेल फीमेल कोई भी है। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए इन लोगों को, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग रात का खाना देर से खाते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, खाना खाकर चहलकदमी नहीं करते, हरकत में नहीं रहते, तो फौरी सो जाते हैं और हर वक्त मैदा फुल रहता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये मसला बन जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का सोते वक्त जो कमर वाला हिस्सा है वो टाइट होता है, अगर उन्होंने नाला बांधा हुआ है तो वो टाइट है, बेल्ट है, पैंट पहनी हुई तो बेल्ट टाइट है, तो आपकी जो सोते वक्त कमर है जो पेट वाला हिस्सा ये ढीला होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ अगर लगातार इस तरह का मसला रहेगा तो कब्ज भी हो जाती है और पाइल्स का मसला भी बन जाता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, मिर्च मसाले को आप अगर तेज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो कम करें, बाजारी खाने से परहेज करें, बाजारी खाने छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बोतल वगैरह बंद कर दें। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है, लोकल कंपनी का ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। खाना खाकर हरकत में रहना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाने से पहले पानी जितना मर्जी पी लें, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप जितना मर्जी पानी पी सकते हैं, सोते वक्त दूध नहीं पीना। डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं मेडिसिन के मतलब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इसमें से हमें फ़ायदा मिल जाए, निजात मिल जाए। डियर फ्रेंड्स, एस्क्यूलस होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, क्यू पावर में, जर्मनी कंपनी की आपने लेनी है। एस्क्यूलस होम्योपैथिक स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी, तकरीबन 1100 की पाकिस्तान में, 20 ml की पैकिंग में होगी, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने हैं एस्क्यूलस होम्योपैथिक मेडिसिन के। इसके मामन जो मेडिसिन है वो एलोज आप ले सकते हैं, हाइड्रास्टिस ले सकते हैं, मुँह वाली है, शदीद दर्द रहती है तो एसिड नाइट्रिक 30% जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं साथ नाम भी लिखकर पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको। ये फ्रेंड्स, मेरे पास इस वक्त मौजूद है पाइल्स की और टैबलेट्स, इसके भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं, हुनी बादी बवासीर के लिए, मुँह वाली बवासीर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डब्बी में ये 20 टैबलेट्स हैं, कैपिटल कंपनी की है, 200 रुपये की होम्योपैथिक स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। सुबह शाम आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है, अगर शदीद दर्द है, बहुत ज़्यादा मसला है तो टैबलेट्स दो सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, या चूसने के लिए आप टैबलेट इस्तेमाल कर लें, कोई भी साइड इफेक्ट आपको इसका नहीं होगा, फ़ायदा ही मिलेगा ज़रूर। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की है, इंडिकेशन क्या है। इसमें पायोनिया मदर टिंचर ऐड किया गया है, इसके अलावा एस्क्यूलस मदर टिंचर ऐड किया गया है, एलोज,
मदर टिंचर ऐड किया गया है, एसिड नाइट्रिक 30% ऐड की गई है, हेमामेलिस मदर टिंचर इस्तेमाल किया गया है, हेमामेलिस अगर खूनी बवासीर है, खून बहुत ज्यादा खारिज हो रहा है तो हेमामेलिस अच्छा चर्स देगी। इसके अलावा नक्सुमिका मेडिसिन ऐड की गई है, जो लोग खाना खाकर सो जाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, खाना खाकर सो जाते हैं, बाजारी खाने बहुत ज्यादा खाए हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, तो नक्सुमिका मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर देगी। रात के वक्त आप नक्सुमिका मदर टिंचर के 20 से 25 कतरे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें तो आपका जो मसला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हाइड्रास्टिस मदर टिंचर ऐड किया गया है, अगर आपका आंखों का निजाम सारा खराब है तो मकद वाले हिस्से में जलन है, दर्द है, बरूनी अंदरूनी बवासीर है तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर अच्छा असर देगा। इसके अलावा इसमें राठिनिया मदर टिंचर ऐड किया गया है, ये भी बवासीर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये टैबलेट्स 200 की मिल जाएंगी, सुबह शाम आपने इस्तेमाल करनी है, कैपिटल कंपनी की है, होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएंगी, कहीं से नहीं मिल रही तो आप उससे भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ड्राप्स की शक्ल में मौजूद है, टी नंबर 7 ड्राप्स हेमोराइड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके क्या फायदे हैं? बवासीर के लिए खूनी बादी बवासीर, मस्सों मौकों और जलन वाली बवासीर, दर्द के लिए, दायमी कब्ज के लिए और मस्सों से अगर खून आता है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। 150 रुपए की होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगी, 20 ml की पैकिंग में है। इसमें जो मेडिसिन ऐड की गई है वो भी यही है, एस्क्यूलस, कोलनसोनिया, हाइड्रास्टिस, नक्सुमिका, रेटिनिया, सल्फर, एसिड नाइट्रिक वगैरह। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देगी। 3 से 4 मंथ रेगुलर मेडिसिन को यूज करें, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना, खाना खा कर बैठना नहीं, सोते वक्त पानी नहीं पीना, खाना खाकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, रात का खाना जल्दी खाएं, खाने से पहले पानी पिएं, खाने के 2 घंटे बाद अगर आपने पीना है तो दोबारा पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी परहेज रखनी है, जो कमर वाले सेट टाइट नहीं रखना, सोते वक्त ये ढीला होना चाहिए, और मिर्च मसाले भी आपने बिल्कुल नहीं खाने, कद्दू शरीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बाजारी जो है अपना सब्जी वगैरह का इस्तेमाल करें, बाजारी खाने बिल्कुल नहीं खाने, फ्रेश सब्जियां इस्तेमाल करें, जूस वगैरह का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा देगा। डियर फ्रेंड्स ये था फिर मेरा आज का टॉपिक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है, जानना है, इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी नोट कर लीजिएगा, 03157100024, यही मेरा सिम नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर आप मुझसे रब्ता करके अगर कुछ पूछना है, जानना है, इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, गांव में याद रखिएगा।